और अच्छी सुबह है, ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है तो अच्छा लग रहा है। एवरीवन वेलकम बैक टू योर चैनल, गुड मॉर्निंग। ताज़ी ताज़ी सुबह मैं आपका वेलकम करती हूँ चैनल पे। होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और वीकेंड बहुत सारा इन्जॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ लिया है, आज कोई इंडिया से आने वाला है। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, जैसा कि आप मेरे चेहरे से भी देख सकते हो, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा बिकॉज़ आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और स्पेशली जो लोग बाहर रहते हैं ना उनको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आज बहुत सारा प्यार इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल संडे मॉर्निंग है तो मैं रेडी होके अभी निकली हूँ, अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ क्योंकि आज उसने हमें लंच के लिए इनवाइट किया है। तो अभी 11:30 हो गया है, थोड़ा सा मैं पहले निकली हूँ जिससे कि मैं उसको थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँ। उसके बाद गोविंद और अंशुल भी आ जाएंगे, तो यस बातें करते करते चलते हैं। पीछे ट्रक आ रहा था इसलिए मैंने कहा चलो, मेरे को थोड़ा सा ऑड लगने लगा क्योंकि ड्राइवर वॉज लुकिंग एट मी कि मैं किससे बातें कर रही हूँ कैमरा पकड़ के। हम लोग अब निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और आज लंच इतना ज़्यादा अमेजिंग था ना, मैंने वीडियो क्लिप ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी सी बनाई तो मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर कर दी। दाल बाटी, गट्टे की सब्ज़ी, चूरमा, पान, पता नहीं क्या क्या खाया, बड़ा मज़ा आया लंच करके और मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। मैं चलो अब आपको बता देती हूँ, मेरा भाई आ रहा है इंडिया से, एक्चुअली हमारे फैमिली रिलेशन में ही है वो लड़का, यहाँ पे जॉब के काम से आता रहता है शिकागो। तो इस बार मम्मी ने बोला कि हम लोगों के लिए कुछ सामान तुम ले जाओगे क्या, एंड उसने इतने प्यार से मम्मी को बोला कि ठीक है आंटी मैं ले जाऊँगा। तो वो हम लोगों के लिए मम्मी के घर का बना हुआ सामान लेकर आ रहा है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यस अभी हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं एंड भाई से मिलेंगे, सामान लेंगे। मैं डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊँगी कि मम्मी ने क्या क्या भेजा है और मैंने अपने भाई के लिए भी खाना पैक किया है बिकॉज वो उसकी फ्लाइट दिल्ली से सीधा सैन फ्रांसिस्को आई थी और सैन फ्रांसिस्को से फिर वो यहाँ आ रहा है। तो अभी तो वो काफ़ी मुझे लगता है भूखा होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद आता है ना तो उसको घर का सिंपल खाना मिल जाए ना तो फिर अच्छा रहता है, बीमार नहीं पड़ते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि दो टाइम का उसको खाना थोड़ा सा पैक करके दे देती हूँ जिससे कि वो घर का खाना खाएगा तो एटलीस्ट लंबी जर्नी के बाद ना वो बीमार वगैरह नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अक्सर ऐसा होता है कि अगर बाहर का खाना खाओ और वो सब करो ना, हैवी खाना खा लो एकदम से लंबी जर्नी के बाद, तो पेट बहुत अपसेट होता है। गोविंद सुपर एक्साइटेड है एयरपोर्ट पे आके, उसे लग रहा है हम कहीं जा रहे हैं एयरप्लेन में बैठ के। तो वो बोल रहा है कि मैं बोर्डिंग पासेस ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बाय। और उसकी एक्साइटमेंट पता है, आज बहुत मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इंडिया जा रही हूँ, क्योंकि ना गाड़ी में भी आज रिपब्लिक डे स्पेशल सॉन्ग्स लगा रखे थे अंशुल ने, और बस फिर तो ऐसा लग रहा था कि एयरपोर्ट आ गए और अब बस अपने घर पहुंच जाओ। बट यस हम जा नहीं रहे हैं, हमारे लिए प्यार चल के आया है इंडिया से, तो यस आई एम हैप्पी। इमोशनल इमोशनल नहीं होंगे हम। पहुंच गए एयरपोर्ट और ये रहा गोविंद। पूरी ना सारी मेमोरी जैसे फ्लैशबैक हो रही है, जब इंडिया जा रहे थे तो कितना एक्साइटमेंट था कि यस वी आर गोइंग एंड वी विल हैव फन, बट यू नो टाइम निकल जाता है, पास हो जाता है, पता भी नहीं चला इंडिया में 2 महीने कब बीत गए। नानी होम जाके किसके साथ प्ले करोगे? नानी के साथ। नानी के साथ प्ले करना है? सबके साथ प्ले करूंगा। ओके चलेंगे नानी होम, कल चलेंगे। ओके नहीं यार आज चलना है। ओके
गोविंद ने बहुत जिद की कि उसको नानी के घर जाना है। एक्चुअली उसकी रीसेंट मेमोरी ना एयरपोर्ट से नानी के घर की है, तो उसे ये पता है एयरपोर्ट से हम नानी के घर जाएंगे, माँ जी के होम जाएंगे। तो उसने बहुत जिद की कि मुझे नानी के घर लेके जाओ, मुझे नानी के घर लेके जाओ। बट यू नो बच्चा है, उसे समझा भी नहीं सकते कि नानी और माँ जी के घर जाना इतना आसान नहीं है कि बस बैग पिक किया और निकल गए। तो बहुत रोया वो, और फिर रोते रोते ना कार में सो गया। तो आके बस अभी मैंने उसे अंदर से लाया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी ने क्या भेजा है। ये पूरा बैग भर के, बहुत भारी है, ये पूरा बैग भर के सामान भेजा है। मैंने अभी इसे बिल्कुल भी ओपन नहीं किया है, दो मुझे पता है इसमें क्या क्या सामान है क्योंकि मम्मी ने मुझे ओवर द फोन बता दिया था। तो मैं आप लोगों के साथ ओपन करूँगी बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो अपने घर को बहुत मिस करते हैं लाइक मी। एंड आप लोग मुझे बहुत कनेक्ट करते हो, बहुत प्यार करते हो, तो मैंने ये सोचा था कि ये बैग मैं आप लोगों के साथ ही अनपैक करूँगी। आई होप कि मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा अपनी मम्मी का प्यार दिखा पाऊँ बिकॉज यू नो जो हम लोग बाहर रहते हैं ना, हम लोगों के पास इस तरीके से सामान नहीं आ पाता, सालों बीत जाते हैं, सामान छोड़ो कोई अपने घर का दिखता भी नहीं है। तो ऐसे कुछ जब आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी आई है मेरे पास। बट या चलो सामान खोलते हैं। सो या कैमरा फोकस कर लिया, तो चलिए अब ओपन करते हैं मम्मी का पिटारा। सबसे पहले निकली है गोविंद का चीज, ये सोया कटोरी है। ये देखिए, ये गोविंद को बहुत पसंद है तो मम्मी ने उसके लिए ये दो पैक्स भिजवाए हैं। वो इंडिया में बहुत खाता था मेरे भतीजे के साथ ना, मिलके दोनों लोग मिलके सोया कटोरी खाते थे, तो मम्मी ने गोविंद के लिए ये भिजवाया है। उसके बाद क्या आया है, ये गाजर की बर्फियाँ आई हैं। ये देखिए, थोड़ी सी आपको ऐसा डिस्टॉर्टेड सा लग रहा होगा बट यस, ये गाजर की बर्फी मम्मी ने बनाकर भेजी है। और ये मम्मी ने लैया की नमकीन घर में बनाई थी, तो जिस टाइम ये सामान आ रहा था ना तभी मम्मी ने फ्रेश फ्रेश बनाई थी घर में, तो मम्मी ने थोड़ा सा मेरे लिए भी पैक करके दिया है। ये आए हैं पेड़े जो अंशुल को बहुत पसंद है, तो मम्मी ने ये अपने दामाद जी के लिए स्पेशली बनाए हैं। अंशुल की ये फेवरेट मिठाई है, उनको एनी टाइम बोलो मेवा के पेड़े खाने हैं वो बोलेंगे हाँ हाँ खाने हैं, तो मम्मी ने उनके लिए ये बना के भेजा है। ये मम्मा ने मैंगो स्लाइसेस भेजी हैं, ये मेरी अंशुल की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ऐसे चूरन होता है ये बेसिकली, खट्टा मीठा, शायद आप लोगों ने भी खाया होगा। एक बड़ा इडली स्टैंड, मेरे पास ना छोटा वाला इडली स्टैंड था, अभी मैंने इडली सांभर भी बनाया था तो आपने देखा था मैंने छोटी छोटी इडली बनाई थी, तो मेरे पास बड़ा इडली स्टैंड नहीं था। और फिर सामान आ ही रहा था तो फिर मैंने मम्मी को बोल दिया कि मम्मी आप मेरे लिए एक इडली स्टैंड भेज देना, तो मम्मी ने ये 4 वाला भेजा है। आई थिंक ये एल्यूमिनियम का है। ये मेरे लिए आया है, ये नाइटी है ब्लू कलर की। ये देखिए, ये मम्मी ने मुझे कॉल पे भी दिखाई थी, वीडियो कॉल पे, तो ये एक नाइटी आई है मेरे लिए। एक्चुअली जो मैं इंडिया से इस बार नाइटी लेकर आई थी ना, आपने देखा भी होगा मैं बहुत सारी वीडियोज में पहनती हूँ उसको, ब्लैक से कलर की है, ब्लैक एंड कौन सा कलर बोलते हैं उसको, ब्राउन से कलर की, वो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है, वॉर्म नाइटी होती है ये, तो बस एक नाइटी पूरा दिन घर में पहने रखो ना तो भी कंफर्टेबल लगता है। पर इसका डिज़ाइन देखो, नेक पे कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, मैं पहनूंगी ना तो ज़रूर आपको बताऊंगी कि ये मम्मी ने भेजी थी यही वाली नाइटी है। वैसे आपको कलर तो दिख ही गया होगा। अभी सामान खत्म नहीं हुआ दोस्तों, अभी पूरा बैग भरा हुआ है, आधा बैग भरा हुआ है। तो मम्मी ने कुछ किंडर जॉयज भी भेजी हैं गोविंद की। यहाँ पे मैंने बोला कि किंडर जॉयज मिल जाती हैं बट मम्मी कहती नहीं मुझे भेजनी है, तो मैंने कहा भेजो आप। ये है बाजरे का मम्मी ने बाजरे को कूट के, वॉश करके कूट के सुखा के फिर भेजा है। मैं इससे बाजरे की खिचड़ी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। मुझे ना बाजरे की खिचड़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोग सर्दियों में बहुत बाजरे की खिचड़ी खाते थे बचपन में, उसमें थोड़ा सा घी डाल के। बट कितने टाइम से, कितने सालों से तो मैं यहाँ हूँ, मैंने बहुत टाइम से बाजरे की खिचड़ी नहीं खाई थी, तो ये मम्मी ने पूरा रेडीमेड पैक बना के मुझे भेजा है। सब काम घर में करना पड़ता है इसका, तो मम्मी ने पूरा सब करके मुझे भेजा है, अब मैं इसको यूज़ करूँगी, बाजरे की खिचड़ी बनाऊँगी। उसके बाद ये सौंफ के पैकेट आए हैं, ये ना कोकोनट वाली सौंफ होती है, मुझे अंशुल को बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी जब मैं इंडिया गई थी तब भी लेकर आई थी, और ये मम्मी ने 1 kg के 2 पैक्स भेजे हैं।
उसके बाद आया है ये मैंगो का फ्रूट बार, ये भी हमारा फेवरेट है। ये यहाँ पे भी मिलता है, पटेल ब्रदर्स पे कैंडी के फॉर्म में मिलता है, तो मैंने बोला भी था कि ये मत भेजना, यहाँ पे मिल जाता है, बट आप समझ सकते हो ना माँ का प्यार, उन्होंने कहा नहीं मैं भेजूंगी, तो उन्होंने भेजा। और किंडर जॉयज निकली हैं गोविंद की, एक और किंडर जॉय। अब ये कुछ अचार है, तो मैंने खोलती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ क्या है ये अचार। ये है गाजर का और गोभी का, जो विंटर्स में आई थिंक हर घर में डाला जाता है, तो ये बहुत अच्छे से पैक होकर आया है। और सेकंड अचार आया है मिर्ची का, ये देखिए ये लाल मिर्च मम्मी ने घर में बना के इसका अचार मेरे लिए भेजा है। दोस्तों अभी भी सामान ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी और सामान है, तो बैठे रहो अभी। और मम्मी ने ये बना के भेजा है गोंद। एक्चुअली जो आफ्टर प्रेगनेंसी पोस्टमार्टम में लड्डू खिलाए जाते हैं ना गोंद के, वो लड्डू फॉर्म में नहीं, मम्मी ने पंजीरी फॉर्म में बनाकर भेजा है, क्योंकि पंजीरी फॉर्म में ना फिर मुझे गोविंद को खिलाना रहता है तो इजी रहता है, क्योंकि लड्डू तो वो खाएगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव करके लाइक 20 सेकेंड्स फिर मैं खाती हूँ, गोविंद को खिलाती हूँ, और ये अंशुल को भी बहुत पसंद है, तो मम्मी ने ये बहुत सारा बना के भेजा है, 2 पैक्स हैं। मम्मी ने कुछ ना सामान भेजा है, मुनक्का है, ये कुछ खरबूजे के सीड्स हैं छीले हुए, और ये खसखस है, ये वाइट खसखस, और ये भी कुछ है आई डोंट नो। तो मम्मी कह रही थी इनको सबको ना थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके, ग्राइंड करके दूध में डाल के फिर पीना है, तो गोविंद को भी पिलाओ, हेल्दी रहेगा, तुम लोग भी पियो। तो मम्मी ने ये सारे इंग्रेडिएंट्स भेज दिए, तो यस जब मैं इसका पाउडर बनाऊंगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यस फाइनली सारा सामान मैंने आप लोगों के साथ खोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई विश मैं आप सबको ये थोड़ा थोड़ा टेस्ट करा पाती, बट मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि टेस्ट नहीं कराया, एटलीस्ट शेयर किया आप लोगों के साथ, तो कुछ परसेंट प्यार तो आप लोगों तक भी पहुंच गया होगा। अगर थोड़ा सा भी प्यार आपको फील हुआ ना, पहुंचा आप तक, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ये सारा सामान लेके जाते हैं किचन में, और मैंने बहुत सारे डब्बे ऑलरेडी खाली करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था सामान आ रहा है, तो अभी इन सबको रिफिल करते हैं और सजाते हैं अपनी किचन को ढेर सारे खाने से। तो ये देखिए मैंने सारा अपना सामान जो है डब्बों में डाल के रख लिया है। ये मेरी गाजर पाक है, अभी मैं टेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। ये गाजर गोभी का अचार और ये मिर्ची का अचार है, तो इसे भी मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये देखिए ये बाजरे की खिचड़ी जो मैं आज रात में बनाऊंगी, अभी मेरे को बनानी नहीं आती, तो मम्मी को कॉल करके पूछना भी है कैसे बनती है ये। ये है अंशुल के पेड़े, ये नमकीन लैया वाली, ये सौफ मैंने भर के रख ली है, ये है गोविंद के लिए गोंद वाली पंजीरी, मैंने अपनी मम्मी को फोन करके बता दिया कि सब सामान अच्छे से पहुंच गया है। एक्चुअली उन्होंने ना काफी दिन से टेंशन हो रही थी कि कहीं सामान खराब ना हो जाए, क्योंकि जो लेकर आया है ना भाई सामान, उसके पास भी 3-4 दिन पहले पहुंच गया था सामान मेरा, तो मम्मी को यही था कि कहीं गाजर पाक या फिर पेड़े वगैरह खराब ना हो जाए, क्योंकि उसमें दूध रहता है ना, तो दूध वाली चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। बट यस हमने सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके देख लिया है, कुछ भी खराब नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा बना है। और यार वही शादी से पहले जैसे मम्मी खाना बनाती थी और हम लोग खाते थे, वही वाला टेस्ट एकदम जुबान पर आ गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी तो नहीं आई, बट ऐसा लग रहा है कि मम्मी का ढेर सारा प्यार एक बड़े से बैग में पैक होकर आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यस मैंने मम्मी से बाजरे की खिचड़ी बनाना सीख ली है, तो आज डिनर में हम बाजरे की खिचड़ी बनाने वाले हैं, क्योंकि अंशुल बोल रहे हैं उनका भी बहुत मन कर रहा है, और बाजरे की खिचड़ी बहुत अच्छी रहती है। विंटर्स में ना बाजरा आपको अंदर से गर्म रखता है। मैंने इक्वल पार्ट्स चावल और मूंग दाल के लिए हैं, एंड 25% कटोरी मैंने इन दोनों से फिल कर ली है। अब इस कटोरी में मैं फिल करूंगी बाकी का बाजरा, तो ये देखिए ये कुटा हुआ बाजरा है, ये मैं पूरी कटोरी अब इस बाजरे से भर लूंगी। तो बेसिकली आपको रेशियो रखना है 75-25 का, तो 25% में आपको इक्वल अमाउंट लेना है दाल और चावल का, और बाकी जो 75 है वो रहेगा ये कुटा हुआ बाजरा।
मैंने यहाँ पे कुकर गर्म होने के लिए रख दिया है और सेम साइज की कटोरी से मेजर करके मैं 5 कटोरी पानी कुकर में ऐड करूंगी। अब पानी जैसे ही थोड़ा सा गुनगुना होगा मैं इसके अंदर अपना ये मिक्सचर ऐड कर दूंगी। पानी बहुत ज्यादा आप गर्म मत करिएगा, अदरवाइज ना बाजरे में लम्स पड़ जाएंगे। तो बस गुनगुने पानी में ही आपको ये ऐड करना है और अब हम इसे ना चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से बॉईल नहीं हो जाए। तो ये देखिए ये मिक्सचर अच्छे से बॉईल हो गया है अभी। तो अभी बॉईल होने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, बस टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर लें। तो मैंने अराउंड 1/2 टीस्पून ऐड किया है। एक बार और मैं इसे चला दूंगी और चलाने के बाद अब मैं करने जा रही हूँ कुकर बंद। अब मीडियम फ्लेम पे ना इसको 2 विसल्स के लिए कुक करना है एंड दैट्स इट, फिर हमारी खिचड़ी रेडी हो जाएगी। और ये देखिए मेरी बाजरे की खिचड़ी बन गई। मैंने 3 सीटी लगाई थी, 2 सीटी लगाने के बाद मुझे थोड़ी सी ये पतली लग रही थी तो मैंने 1 सीटी और लगाई और ये एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। और खिचड़ी में घी जरूर ऐड करें और इसे मैं लाल मिर्च के साथ सर्व कर रही हूँ। Oh my God! Hold on. Let me check your fever. तो बस अभी उन लोगों का डॉक्टर प्ले चल रहा है और मैं भी जाके शामिल हो जाऊंगी उनके खेल में, बिकॉज मुझे गोविंद के साथ प्ले करना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मैंने अपनी नाइटी भी पहन ली है। मुझे बताइएगा कैसी लगी, मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रही है एज ऑफ नाउ, क्योंकि गर्म है और वो चुभने वाला कपड़ा जो होता है ना वो नहीं है, बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा मुझे ये लगता है तो अच्छा लगता है पहनना। तो यस ये हो गया है और सब कुछ जो मम्मी ने भेजा है ना सब कुछ हमने थोड़ा 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 खा के ट्राई कर लिया तो मज़ा आ गया। तो यस इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। ऐसा रहा मेरा संडे, आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों का संडे वीकेंड कैसा रहा। तो इस बार तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकेंड पे मज़ा आया, थोड़ा सा हेक्टिक मेरा सैटरडे और संडे दोनों ही रहा। मैं अभी सैटरडे वाली वीडियो पे जितने भी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे रीड कर लिए हैं बट किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। तो मैं बैठूंगी अब सबको रिप्लाई करूंगी गोविंद के साथ खेलने के बाद ऑफकोर्स। तो या इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, होप करती हूँ आपने इंजॉय किया होगा। अगर इंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड बिकमिंग द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा डेली अपडेट्स के लिए। फिर से मिलेंगे, टेक केयर, बाय बॉयज, प्लीज से बाय बाय। ओके उसको कुछ और प्ले करना है तो चलो अब उसका प्ले टाइम है, मैं भी उसके साथ खेलूंगी। मामा के साथ भी प्ले करेगा, मुझे ये करना है।